नमस्कार दोस्तों, गुड एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। आज हम जीपीएस के थर्ड टॉपर 95% के साथ कुसुम शर्मा, जिसने साइंस बायोलॉजी से एक बहुत अच्छा शानदार कीर्तिमान बनाया है, कुसुम शर्मा से रूबरू हो रहे हैं। कुसुम, आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी और साथ ही जीपीएस टीम के चेयरमैन सर संपत बेनीवाल को और सेक्रेटरी सर ललित अग्रवाल सर को और उन जीपीएस मैनेजमेंट को देना चाहूँगी और मेरे गुरुजन गणों को देना चाहूँगी जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है। ऐसा कोई मौका आया क्या कुसुम, जिसमें आपको अपना लक्ष्य बनाने के लिए और आपको ऐसे ठानना हुआ हो कि भाई मैं इसमें बहुत कुछ नया करूंगी और आगे बढ़ूंगी? हाँ सर, ऐसा मौका भी ज़रूर आया। जब हमारे मंथली टेस्ट होते थे तो उनमें हमारी परसेंटेज जो रहते थे तो उनमें सर हमें पूछते थे कि तुम कर पाओगे क्या जितना तुमने टारगेट लिया है। तो हम बोलते थे सर करेंगे, हमने सोचा तो जरूर करके दिखाएंगे। तो एक बार प्रिंसिपल सर ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे जो टेंथ में क्या तुम उससे अबो ला पाओगे, तो मैंने कहा सर मैं तो अपना पूरा 100% देने का प्रयास करूँगी और जो हो सकता मैं ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुझसे उम्मीद है मेरी। आपको इसमें स्कूल टाइम के अलावा घर पे आप कितना स्टडी का टाइम दिया करते थे, क्या आपका टाइम शेड्यूल रहता था? स्कूल टाइम के अलावा सर जो सर हमें पढ़ाते थे हमारे टीचर्स, उसको जाके रिपीट करना और किताबों के क्वेश्चन सोल्व करना, टेस्ट के सारे क्वेश्चन सोल्व करना, उसके अलावा उनके भी सारा रहता था शेड्यूल वगैरह, और रात को 12:30 या 12 बजे तक। और सुबह कितने बजे उठ जाते थे? सुबह 4 बजे मम्मी उठाने आती थी मुझे। और घर पे माँ बाप का कैसा सहयोग रहा आपको इतना अच्छा पढ़ाने के लिए? सर मेरे माता पिता तो हमेशा से मुझे पढ़ाने के लिए रहे हैं, वो हमेशा से कहते थे बेटा तुझे मेरा नाम रोशन करना है, तो मैंने इतना प्रयास किया कि मैं फर्स्ट ले आ पाऊँ, पर मैं थोड़ी चूक गई इसमें मेरा। कोई नहीं, अभी आपने फिर भी बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए हैं। अभी आप आगे आपका क्या टारगेट है? आगे मेरा टारगेट नीट करने का है कि मैं फर्स्ट चांस में नीट कर क्लियर कर पाऊँ। बड़ी अच्छी बात है। अपने जूनियर्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी स्कूलिंग करेंगे और आपने अच्छे नंबर बनाए हैं ऐसे में? मैं अपने जूनियर्स को यही कहूँगी कि अब जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उस पर श्रद्धा रखो और अपने टीचर्स पर श्रद्धा रखो पूरी तरह से, तभी हम हासिल कर सकते हैं आगे की जीत। जो हमने ठाना है उसको करके दिखाना है, तो बस वही है। कुसुम पढ़ते सभी हैं और टाइम भी देते हैं, लेकिन कईयों के इतने अच्छे नंबर नहीं बन पाते, तो इसके पीछे क्या राज लगता है आपको? पढ़ते तो सभी है सर, लेकिन वो ना जो टीचर पढ़ाते हैं उसको रिपीट नहीं करते, वो अदर बुक्स पे ज़्यादा जाते हैं, पर जो टीचर पढ़ाते हैं उसको घर जाके रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा, एक वो हमारे माइंड में फीड हो जाएगा, उसको सोल्व करना और किताबों पर पूरा फोकस करना।